नमस्कार मित्रों, संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के साथ जो निकल रही है राजस्व विभाग से, तो राजस्व विभाग में वैकेंसी निकली हुई है पटवारी की। तो यहाँ आपको अच्छी वैकेंसी मिल रही है, पटवारी भर्ती परीक्षा 2018-19 में। इसमें क्या योग्यता वगैरह रखी गई है, क्या इसमें एज है, किस प्रकार ये भर्ती कंप्लीट होगी, संपूर्ण डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो पे चलने से पहले यदि आप डेली गवर्नमेंट जॉब की वीडियो पाना चाहते हैं, तो इस प्रकार को आप एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है आपको नीचे, उस बटन को आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपको ये सब्सक्राइब का बटन हो जाएगा यदि आप क्लिक करते हो। इसके बाद में यहाँ आपको ये जो साइड में बेल आइकन दिखाई देगा, उस बेल आइकन को आपको दबाना होगा। तो इस वीडियो को आपको लाइक भी करना होगा। इस प्रकार को आपको एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, उस पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। वो इस प्रकार यदि हो जाएगा तो आपको डेली डेली 3 या 4 गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे अलर्ट के माध्यम से पहुंचा दिए जाएंगे। मेरा इसमें वादा है कि कोई भी अभ्यर्थी कोई सरकारी नौकरी की डिटेल्स मिस ना करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो सर्वप्रथम आप यहां देख सकते हो पटवारी प्रतियोगिता सिद्धि भर्ती 2018-19 के लिए। तो ये जो प्रतियोगिता निकल के आ रही है 2018-19 के लिए निकल के आ रही है पटवारी प्रतियोगिता सिद्धि भर्ती 2018। तो इसमें हम दिखा देते हैं जिस डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट निकलता है, तो यहाँ रिवेन्यू, तो राजस्व विभाग से ये जो है जॉब निकल के आ रहा है पटवारी की, यहाँ वैकेंसी निकल के आ रही है। बात करते हैं पद नाम का, तो यहाँ पद आप देख सकते हो पटवारी। तो यहाँ जो रिक्रूटमेंट निकला है जिस पोस्ट के लिए निकला है वो हो जाएगा पटवारी। अब हम बात करते हैं इसमें जो वेतन क्या दिया जाएगा, तो आप इसमें वेतन देख सकते हो मित्रों। इसमें जो 5,200 से आपका वेतन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी जो जो जिसकी एंडिंग है 26,200, ठीक है, 26,200। इसके साथ साथ आपको ग्रेड पे मिलने वाला, आप यहाँ देख सकते हो 2,100 रुपये इसमें ग्रेड पे मिल जाएगा। तो वेतन इस भर्ती प्रक्रिया में आपको अच्छा मिल रहा है, 5,200 से 26,200 प्लस 2,100 रुपये ग्रेड पे आपको इस भर्ती प्रक्रिया में यदि आप सिलेक्शन आपका हो जाता है तो ये आपको इसमें वेतन मिलेगा, पर मंथ है इसमें ये वेतन। अब हम बात करते हैं आयु सीमा की, तो इसमें आप आयु सीमा देख सकते हो। आयु सीमा 1 जनवरी 2018 को, यहाँ आप पॉइंट देखिए, 1 जनवरी को, मतलब जो बीत गई 1 जनवरी 2018 को, कम से कम 18 साल अधिकतम 45 साल के बीच यदि आपकी उम्र है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ 1 जनवरी जो आपकी आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2018 से की जाएगी। अब हम बात करते हैं किस प्रकार आपको ये आवेदन करना है, तो सीधा हम आपको बताते हैं आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। आवेदन जो है आपको ऑनलाइन इसका आवेदन करना है। अब बात करते हैं योग्यता की, तो इसमें योग्यता इस बार चेंज कर दी गई है। आपको यहाँ स्नातक भी मिल जाएगी और 12वीं पास भी योग्यता मिल जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है एक चीज़ का। तो यहाँ 12वीं योग्यता रखी गई है वो रखी गई है ये कि यदि स्नातक लेवल के कैंडिडेट्स इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं, पॉइंट को ध्यान से सुनिए, जो स्नातक लेवल के यदि कैंडिडेट्स इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं तो 12वीं पास के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। तो इस प्रकार स्नातक लेवल के अभ्यर्थी जरूर इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे, क्योंकि सभी ने जो ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो स्नातक ही इसमें आवेदन स्नातक पास ही आवेदन करेंगे। तो यहाँ 12वीं पास के लिए भी है योग्यता, इसमें 12वीं पास भी रखी गई। आप विज्ञप्ति में भी देख सकते हो, जो मैंने बताया है वो ही इसमें तर्क दिया है कि यदि कोई स्नातक अभ्यर्थी वहाँ नहीं पूछेगा तो जो 12वीं के प्राप्तांक अंक है उसके आधार पर उस कैंडिडेट का सिलेक्शन कर लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें एक कंप्यूटर कोर्स और मांग रखा है, तो यहाँ कंप्यूटर कोर्स आप यहाँ देख सकते हो, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPCT, ये होता क्या है, ये एक कंप्यूटर डिप्लोमा है। ये आपको अभी की इस यदि आपने ये कंप्यूटर डिप्लोमा किया है तो बहुत ही अच्छा, यदि नहीं किया है तो आपको 5 साल का समय दिया गया है, 5 वर्ष का इसमें समय दिया गया है। यदि आप इस आपका इस भर्ती प्रक्रिया में पटवारी में सिलेक्शन हो जाता है तो क्या करना होगा, आपको ये 5 साल में उत्तीर्ण करना होगा, ठीक है। आपको इसमें टाइम लिमिट दी गई है, 5 साल तक आप ये जो कंप्यूटर कोर्स है CPCT का कंप्लीट कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं नौकरी का स्थान हो जाएगा, तो नौकरी का स्थान हो जाएगा ये जो जॉब निकल रही है मध्य प्रदेश, ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है। इसमें भारत का कोई नागरिक अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो मूल निवासी कहाँ का होना चाहिए? मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। यदि और यदि आप अपनी जो स्टेट का गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को संदीप ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं जल्द ही आपकी स्टेट का गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन लेके आ रहा हूँ। इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें जो किस प्रकार ऑफिशियल वेबसाइट है आवेदन करने की, किस प्रकार आवेदन करेंगे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाई दे रही होगी, www.mponline.government.in पे जाके आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक सक्रिय हो जाएगा 18 से 28 जुलाई के बीच आप ये आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रक्रिया, तो ये भर्ती प्रक्रिया वो सीधी मेरिट के आधार पर की जाएगी। यहाँ अंतिम तिथि दिखा देते हैं, अंतिम तिथि देख सकते हो आप यहाँ 28 जुलाई 2018 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। तो ये था आज का गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और इसकी जो विज्ञप्ति है आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के आधार पर आप उस लिंक की सहायता से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी तक हमारे चैनल संदीप ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन दिखाते हैं उसे जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।